हम SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर स्टूडेंट है, उनसे हम कुछ फीडबैक ले रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा मनीष कुमार रवानी हुआ। आप मनीष कुमार रवानी, आप कहाँ से हैं मनीष कुमार? लाल बंगला गोविंदपुर से आप हैं। चलिए, आप आपका क्वालिफिकेशन क्या है मनीष? सेमेस्टर वन में अभी हैं आप। चलिए ठीक है। तो मनीष, आप इधर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का ट्रेनिंग ले रहे हैं, आई मीन माइंड में आया कैसे? 12th कंप्लीट होने के बाद सर सोचिए कुछ काम तो करना ही होगा ना। अच्छा। तो हम सोचे कि कहीं किसी के अंडर में जॉब करने से बढ़िया कि कुछ अपना सीख ले, हाथ का एक हुनर भी हो जाएगा जी। और हम उससे हम काम भी कर सकते हैं और किसी को काम दे भी सकते हैं। जी जी जी। तो फिर हम आपसे कांटेक्ट किए, ट्रेनिंग करना था हमको जी। फिर हम वही 20-25 दिन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपना जी। ओके, 20-25 दिन से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग के साथ साथ में क्या आपका दुकान वगैरह है? हाँ सर, मेरा ट्रेनिंग के साथ साथ दुकान भी है। दुकान आपका कहाँ पे है, मैंने सब बताना चाहिए? सर मेरा दुकान पुलिस लाइन भवानी मेडिकल के बगल में मेरा दुकान है। पुलिस लाइन भवानी मेडिकल के बगल धनबाद में आपका दुकान है। आप दुकान कितने दिन से चला रहे हैं मनीष? सर दुकान हम लगभग 5 महीने से हम अपना दुकान चला रहे हैं। चलिए, 5 महीने से दुकान चला रहे हैं, तो उससे पहले तो आप ट्रेनिंग लिए हुए नहीं थे? नहीं सर। तो काम क्या क्या काम अपने दुकान में कर रहे थे पहले? सर हम रिपेयरिंग का काम मतलब लेते थे कस्टमर से जी। और लेकर के फिर मार्केट में जाके किसी से करवाते थे, तो उसपे हमको टोटली डिपेंड रहना पड़ता था दूसरे पे। हाँ, वो हमको जितना बोलता था हमको मतलब कस्टमर को उससे मतलब अपना प्रॉफिट रख के उसको बोलना पड़ता था जी। और वैसे फिर कस्टमर को भी बुरा लगता था कि ये हमसे ज्यादा ले रहा है। चलिए बिल्कुल। हाँ, उसमें कस्टमर को कम भी नहीं कर सकते कम भी, क्योंकि आप कहीं पे जाकर के रिपेयर करवा रहे हैं। हाँ। तो रिपेयर करवा रहे हैं तो उसको भी चार्ज देना होगा। हाँ। फिर उसके बाद हमको भी अपना बेनिफिट देखना होगा। इसके अनुसार से आप कस्टमर से डील करते थे कि यदि चार्जिंग जैक का एक्चुअल रेट थी 150 रुपया, वहाँ पे आपको 200 रुपया 250 रुपया कस्टमर को बोलना पड़ता था। कुछ कस्टमर आपके पास से छूट के चला भी जाता होगा, कुछ कस्टमर ही रुकता होगा, उसमें से भी 50% का चार्ज दूसरे को ही ले लेते होंगे। हाँ। है ना। तो मतलब आई मींस इसीलिए आप ट्रेनिंग करने के लिए चाहें कि यदि जो भी रिपेयर आएगा कम पैसे में रिपेयर करेंगे और श्योर वो बेनिफिट खुद को होगा। चलिए ठीक है। अभी आप कितने दिन क्लासेस कर लिए यहाँ पे मनीष? वही सर 20-25 दिन हो गया है। I mean, 20-25 दिन के आसपास आपके ट्रेनिंग हो चुका है। 20-25 दिन का आप कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, आप क्या क्या सीखे हैं अभी तक? मतलब जितना सारा जो मशीन होता है जी, जैसे SMD मशीन हो गया। हाँ। फिर DC सप्लायर हो गया। हाँ। सेपरेटर हो गया, सारा मशीन के बारे में नॉलेज हो चुका है। I mean, आपको सेपरेटर मशीन को यूज करने के लिए देते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। हाँ, ब्लोअर मशीन को चला सकते हैं, DC सप्लाई को चला सकते हैं। यदि कीपैड फोन है, कोई डेड फोन आ गया, तो उसको पता कर सकते हैं वो फोन ऑन है कि नहीं है। हाँ। या फिर कहाँ से प्रॉब्लम है, ये सारा चीज पता। हाँ सर, जैक वगैरह जैसे लगाना हुआ, जैक माइक वगैरह सब कुछ चेंज करना रहा सब कर सकते हैं। फिर अगर बैटरी का मतलब अगर बैटरी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके। और यदि आपके पास डिस्प्ले वगैरह का प्रॉब्लम आता है, क्या सेपरेटर मशीन से काम कर सकते हैं? सेपरेटर, हाँ सर, उसको उखाड़ के सेपरेटर सर इजीली निकाल सकते हैं। ओके। उसके बाद फिर क्या मार्केट से डिस्प्ले लाना है? मल्टीमीटर है क्या? मल्टीमीटर का पूरा टेस्ट, पूरा कंप्लीट यूज आता है आपको? अब ट्रेनिंग हो गया मल्टीमीटर का? हाँ सर। आई मीन सबका 20 दिन में जो पूरा कंप्लीट थ्योरी ट्रेनिंग हो गया, मल्टीमीटर ट्रेनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन, जितना PCB होता है, जितना फोन होता है, दुनिया का कोई भी फोन हम आपको दे दिया जाए तो क्या उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? हाँ सर। मल्टीमीटर के द्वारा टोटल टेस्ट कर सकते हैं? हाँ सर। मल्टीमीटर से कौन सा कंपोनेंट्स खराब है, नहीं है, किसका ट्रैक ओके है, नॉट ओके है, वो सारा चीज कंप्लीट क्लियर कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि यदि हम अभी सपोज़ चार्जिंग जैक लगा रहे हैं और जैक लगा रहे हैं काम नहीं कर रहा, हो सकता है ट्रैक मिसिंग होगा। तो क्या मल्टीमीटर के द्वारा ट्रैक मिसिंग कर ट्रैक जो जांच होगा वो चेक कर लेंगे? हाँ सर। कि एक्चुअल में बोर्ड में कहां से प्रॉब्लम है, नहीं है, कैसे इसको ओके करेंगे? हाँ सर, हो जाएगा। आई मीन सबको मल्टीमीटर का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल चुका है ना। अब टोटल क्लासेस कितना दिन कर लिए जी? 20 से 25 दिन का आपका ट्रेनिंग हो चुका है। ट्रेनिंग का पीरियड पूरा जो क्लासेस आपका चलेगा वो कितने दिन का चलेगा? 3 महीने का क्लासेस होगा, जो कि टोटल 90 दिन का क्लासेस होगा। मान के चलते हैं यदि आपका 20 दिन का क्लासेस हो गया तो अभी भी आपके पास 70 दिन बचा हुआ है, जो कि आपको उसमें 70 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। हाँ। है ना, चलिए जाए ठीक है। जो कि अभी आपका 20 दिन का क्लासेस पीरियड हो चुका है। 20 दिन में ही आप क्या माइक जैक वगैरह जितना है नॉर्मल चीज, ये कार टेबल का पार्ट्स का काम आप कर ले रहे हैं। कोई दिक्कत हो रहा है उसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। SMTC इंस्टीट्यूट को आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से? कुछ
मतलब जो अभी जो यूथ है जो अभी यंग है जो मगर कुछ कहीं सोच रहे हैं कि हमको कहीं जॉब करना है जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि किसी के अंडर में जॉब करने से बढ़िया, किसी का मतलब बात सुनने से बढ़िया आप जो है एक अपना कुछ तैयार कीजिए। आई मीन आपका एक अपना का कहने का मतलब ये है बड़ा नौकर बनने से छोटा एक छोटा सा मालिक बन जाए, छोटा सा मालिक बन जाइए। मालिक का स्माइल और नौकर का स्माइल में बहुत अंतर होता है, होता है ना जी। कि यदि हम एक दुकान खोल करके बैठ गए, मन करेगा तो हम आज जाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं जाएंगे। हमको किसी से ऑर्डर लेने का अलाव है क्या जी? जरूरत है क्या? अगर हम दुकान में बैठे अगर हमको मन किया कि हमको घर जाना है, हाँ कुछ तो हम जा सकते हैं, कुछ काम पड़े तो हम जा सकते हैं बिना किसी का ऑर्डर लिए, बिना ऑर्डर लिए हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक खुशी होता है कि हम खुद का अपना एक मालिक हैं, है ना। हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, हम किसी के दबाव पे कोई चीज बात नहीं सुन रहे हैं सर। वैसे होता है सर, जैसे कि हम अगर 2-3 हजार का नौकरी के लालच में हम किसी के यहाँ काम किए, वो 8 घंटे हमसे काम करवाएगा, ऊपर से हम पे दादागिरी, हम वैसा क्यों काम करें? चलिए मतलब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और खुद का मालिक बन जाएंगे। हो सकता है हमारा बिजनेस ग्रो करते जाए तो हम उसमें और भी जो बेरोजगार लड़का उसको जोड़ सकते हैं और उसको आप काम दे सकते हैं। चलिए ठीक है। अभी का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा हमदनी, जैसे कि अभी आप दुकान चला रहे हैं तो क्या कस्टमर यदि आपके पास आता है उससे डील करने का कन्विंस हो पाता है, डील कस्टमर को कर पाते हैं, उसमें दिक्कत होता है क्या? आई मीन सबको ट्रेनिंग के साथ साथ में और यहाँ पे क्या एडवांस ट्रेनिंग दिया गया अलग से? सर हम कस्टमर को कैसे कन्विंस करें जी, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, कस्टमर को रोकना कैसे है अपने पास, हाँ, ये भी हम यहाँ से सीख लिए हैं। चलिए मतलब कस्टमर तो दुकान के पास आता है, हाँ, हमारे काउंटर के पास आ गया, यदि हम हमारे अंदर में उसको कन्विंस करने का पावर, उसको रोकने का पावर नहीं होगा तो कस्टमर आएगा और चला जाएगा फिर दूसरे जगह चल जाएगा। वो उसके लिए भी एक कन्विंसिंग ट्रिक होता है कि हम उसको कैसे रोके, वो कस्टमर हमारे पास कैसे रुके, वो सब का भी आपको ट्रेनिंग यहाँ से मिलता है। I mean, सब दुकान अपना कैसे चलाएंगे, क्या मार्केट के बारे में ट्रेनिंग मिलता है कि आपको जो भी सामान खरीदना है, जो भी रिपेयरिंग का सामान खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, रिजनेबल प्राइस वगैरह में? हाँ सर, मतलब जैसे कि देखिए जहाँ से हम अगर लेते हैं एसेसरीज वगैरह तो अगर वहाँ हमको ज्यादा प्राइस बोलता है तो यहाँ से हम लोगों को कॉल करके मतलब बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट है, हाँ, तो उससे कुछ कम लिया जाए। आई मीन SMTC इंस्टीट्यूट का नाम आप लेते हैं तो आप क्या मार्केट में जाते हैं तो रेफरेंस कुछ मिलता है, होलसेल से रेफरेंस मिलता है? चलिए आई मीन आप यहाँ का स्टूडेंट होने के बाद में यदि मार्केट जाते हैं तो वहाँ भी आपको रेफरेंस मिलता है। चलिए ठीक है। और आप जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, क्या उसको कुछ सजेशन करना चाहते हैं? यही सजेशन करना चाहेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मतलब एक अपना हाथ का हुनर लीजिए और यहाँ पे आकर क्लास कीजिए। फोन आजकल तो मतलब टेक्नोलॉजी है सर, फोन आपके सबके यहाँ फोन मिलेगा आपको। जी 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 बिल्कुल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो SMTC धनबाद को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।